हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। भाई अब मई 2024 के सीए इंटर एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और हमने काफी रेस्ट भी कर लिया है। अब समय आ चुका है हमारे पास हमारे अगले अपकमिंग अटेम्प्ट सितंबर 2024 सीए इंटर के अपकमिंग अटेम्प्ट की बात करने की। सर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान। अगर आप सितंबर 2024 अटेम्प्ट एम कर रहे हैं, इस वीडियो को अभी के अभी 2x पर शिफ्ट कर दीजिएगा। बट इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट की। आप बेशक अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं या आप एक रिपीटर हैं, आप आज से पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं और सितंबर 24 में फिर से एम करने वाले हैं अटेम्प्ट के लिए, आपने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, आपने क्या काम इस टाइम पर करना है ताकि आप मोस्ट एफिशिएंट मैनर में अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अपने पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहता है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मैक्सिमम सीए इंटर के दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास डिवाइड कर लेते हैं कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को कि सर सितंबर 24 में एम करने वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं, इस कैटेगरी के अंदर आप अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जो अपने पास फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं सितंबर 2024 में। अभी तक उन्होंने आज से पहले कोई अटेम्प्ट नहीं दिया और सितंबर 24 ही उनका फाइनल अभी मेन फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है जहां पर वो अपना सीए इंटर अटेम्प्ट करेंगे। या फिर दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हमारा रिपीटर सेक्शन हो सकता है जो आज से पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन अभी लग रहा है या फिर जैसा भी एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर 24 में हमको शायद अटेम्प्ट लिखना पड़ सकता है। इसके अंदर फर्दर तीन कैटेगरीज हैं जिनके पेपर बहुत ऑसम गए हैं अपने पास मई 24 में और उनको लग रहा है सर पक्का पक्का पास हो जाएंगे, जिनको 50-50% चांसेस लग रहा है, या फिर जिनके पेपर सही नहीं गए हैं। इन चारों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम लोग आज डिटेल स्ट्रेटजी आपसे बात करने वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की जो पहली बार सितंबर 24 में अपने पास पेपर को लिखने वाले हैं। अब सर ऐसे बच्चे ऑलरेडी बहुत समय से प्रिपरेशंस कर रहे थे और शायद इसमें एक मैक्सिमम कैटेगरी वो हो सकती है जो शायद नवंबर 24 सोचकर बैठा था बट आईसीआई के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बाद उनको अब लग रहा है कि हमारे पास अटेम्प्ट हमारा सितंबर 24 में ही आने वाला है और वो अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर रहे हैं इस समय पे। तो ऐसे जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं बेटा याद रखिएगा, मैक्सिमम अपने पास अपना जो सिलेबस आपको खत्म कर लेना है वो खत्म कर लेना है 15th of July तक, ताकि आपके पास मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कम से कम 45 डेज का मिनिमम रिवीजन पीरियड रहना चाहिए। 15 दिन जुलाई के और बाकी दिन अगस्त के, मिनिमम 45 डेज का आपको रिवीजन पीरियड चाहिए। आपका सिंगल ग्रुप है, बोथ ग्रुप है, यहां शायद ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो मैक्सिमम बोथ ग्रुप के लिए जा रहे होंगे, कम से कम 1.5 मंथ आपको रिवीजन के लिए चाहिए। यहां पर आपने फुल फोकस रखना है, रिवीजन कम से कम 3 बार करना है आप लोगों ने। आने वाले रिवीजन स्ट्रेटजी वीडियोस में आपको बताऊंगा सितंबर 24 वालों का रिवीजन प्लान कैसा रहना चाहिए, कितने कितने समय में कौन कौन सी रिवीजन पूरी करनी है और अपने पास कितने कितने पेपर लिख कर देखने हैं, किस किस कैटेगरी के और कैसे उनको चेक करना है। तभी कह रहा हूं चैनल को अपने पास सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाले वीडियोस और यूजफुल रहने वाले हैं। दूसरी बात करते हैं हमारे पास हमारे जो मई 24 में जिन्होंने अटेम्प्ट लिखा है या इससे पहले वाला अटेम्प्ट लिखा हुआ है और लग रहा है कि सर हमारे पास कि अभी 50-50% चांसेस हैं। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पास उन बच्चों की जिनको लग रहा है सीए फाइनल फॉर श्योर है, मई 24 में अपने पास पेपर लिख कर आए हैं और लग रहा है सर एकदम पक्का है कि सीए फाइनल में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इस समय को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता बेटा, इस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? आप इस टाइम पर किसी भी कोर्स में ना एनरोल करिएगा, सबसे एक बेसिक चीज बता रहा हूं, न्यूज़पेपर रीडिंग करिएगा, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को ट्राई कीजिएगा इंप्रूव करने का। बेटा जी यहां पर आपको हेल्प होगा जब आप अपने इंटरव्यूज में जाकर बैठेंगे तो उन इंटरव्यूज में जितना आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने पॉइंट को उतना ही आप ज्यादा नंबर सिक्योर करेंगे इंटरव्यू में और आपके जो चांसेस होंगे सिलेक्शन के वो उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो फोकस ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पर इस टाइम पर आपने अपने पास क्या करना है, फोकस करना है। फॉर श्योर है सीए फाइनल आएगा ही आएगा, फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और किसी भी इधर उधर के एक्सेल कोर्सेज और स्टॉक मार्केट कोर्सेज इन सब पर अभी मत ध्यान दीजिए, अभी समय है खुद में इन्वेस्ट करने का। भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूंगा, जैसे कि आप लोग मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मोटिवेट हो जाते हो कि अभी से पैसा लगाना शुरू कर दें। अभी पहले खुद पर इन्वेस्टमेंट करो, एक अच्छा प्रोफेशनल बनो, यू हैव योर एंटायर लाइफ,
टू मेक दोस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. बात समझ में आ रही है. सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हमारे आते हैं जिनका 50-50% चांस है ऑफ पासिंग. सर पेपर उतने अच्छे नहीं गए हैं मे 24 के और ऐसा लग रहा है कि सर पास हो भी सकते हैं नहीं भी पास हो सकते. ऐसे कैटेगरी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं बेटा अभी के अभी टाइम मत वेस्ट करो, सेल्फ स्टडी चालू कर दो. जो सब्जेक्ट तुमको लग रहा है जहां पर तुम वीक हो उस सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी चालू कर दो. वो अकाउंट्स हो सकता है, वो लॉ हो सकता है, वो टैक्स हो सकता है, वो कॉस्ट हो सकता है. यहां पर अकाउंट्स के लिए क्या करना है जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हैं के लिए भी बताऊंगा और जो बच्चे हमारे पास 50-50% चांस पर बैठे हैं उनके लिए भी बताऊंगा. अकाउंटेंसी के लिए आप कैसे अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं नंबर्स के अंदर. या फिर थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है और लग रहा है कि सर सितंबर 24 में अटेम्प्ट आएगा ही आएगा, मतलब एक और बार अटेम्प्ट अपन को देना पड़ेगा. तो बेटा यहां पर मैं आपको बोलूंगा आपको तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, इस समय को सही यूटिलाइज करिए बेटा. रिजल्ट जब तक आएगा तब आएगा. मान लीजिए जून एंड हो गया रिजल्ट आते आते, तो तब तक क्या पढ़ाई नहीं करोगे? हमने सितंबर 24 में बेटा पेपर्स को क्लियर करना है तो यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग. अब यहां पर आप लोगों से बात कर लेते हैं. मेरे तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं अगर वो अकाउंटेंसी रिलेटेड अपने पास गाइडेंस चाहते हैं, अकाउंटेंसी रिलेटेड अपने पास स्टडी करना चाहते हैं, तो उन तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूंगा बेटा कि हमारे पास एट आई विजन आप लोगों के लिए स्पेशली क्यूरेटेड कोर्सेज हैं जो सितंबर 24 के लिए एम कर रहे हैं. यहां पर फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल है. अब कई बार हमारा ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि सर फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हमको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, बट बेटा विश्वास रखकर देखिएगा जो बच्चे ऑलरेडी फास्ट ट्रैक बैच का हमारे पार्ट बन चुके हैं वो भी ये बात जानते हैं. सर जो हमारे रेगुलर बैच के नोट्स हैं, जो रेगुलर बैच का डिस्कशन है, उतना ही डिटेल डिस्कशन फास्ट ट्रैक में हो रहा है. बस फर्क ये है जो हमारे रेगुलर बैच से कि फास्ट ट्रैक बैच को हम एम कर रहे हैं 75 क्लासेस में फिनिश करने का. 100% लाइव बैच चल रहा है इस टाइम पे हम लोगों का आई विजन की वेबसाइट और ऐप पर, और यहां पर 100% कवरेज करते हुए हम पिछले 5 अटेम्प्ट का PYQ, RTP और पिछले 6 मॉक टेस्ट पेपर्स अलोंग विद ICI मॉड्यूल क्लास में सॉल्व कर रहे हैं. ऐसा फास्ट ट्रैक बैच ना तो आपने अभी तक इंडस्ट्री में देखा है ना ही इस टाइम पर एग्जिस्ट करता है जो इतना डिटेल्ड कवरेज करवा रहा हो कॉन्सेप्ट्स का और क्वेश्चंस का. जहां पर लोग क्वेश्चंस काट देते हैं PYQ, RTP, MTP के, वहां पर हम फास्ट ट्रैक में भी वो कवरेज करवा रहे हैं आप लोगों को. तो आप लोगों के पास जो बच्चे भी हमारे पास बेशक फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं लेकिन अकाउंट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका 50-50% चांस ऑफ पासिंग है, अकाउंट्स का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, या फिर उनको लगता है पेपर उनका अच्छा नहीं गया है और पक्का सितंबर 24 में हमारे पास अटेम्प्ट आने वाला है, आप लोग अपने पास अकाउंटेंसी रिलेटेड गाइडेंस के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग CA इंटर एडवांस अकाउंटिंग का जो फर्स्ट ट्रैक बैच है वो आई विजन क्लासेस पर एनरोल कर सकते हैं. 100% लाइव बैच है, अनलिमिटेड व्यूज के साथ. हार्ड कॉपी आपको बुक्स की मिलेगी. आप लोगों का अकाउंटेंसी रिलेटेड पूरा कोर्स कवरेज मैं 75 क्लासेस में कंप्लीट करवा दूंगा. लेकिन फिर भी आपको लगता है अगर हमको डिटेल स्टडी करना है, रेगुलर बैच में जाना है, तो वी ऑल्सो हैव रेगुलर बैच अवेलेबल फॉर सितंबर 24. यहां पर पास 10 अटेम्प्ट का कवरेज है. रेगुलर में पास 10 अटेम्प्ट का कवरेज है, फास्ट ट्रैक में 5 अटेम्प्ट का कवरेज है. 5 में भी आप सफिशियंटली अपने पास कवर कर सकते हो सिलेबस. बात समझ में आ रही है? तो ये मत सोचिएगा सर फास्ट ट्रैक में हमारे पास कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी. नो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मेरे हैंड रिटन नोट्स, आपका इन डेप्थ लर्निंग सब सेम रहने वाला है. आप फास्ट ट्रैक का पार्ट हो चाहे आप हमारे पास CA इंटर के रेगुलर बैच का पार्ट हो. तो अकाउंटेंसी रिलेटेड आप लोग सिंपल कर सकते हैं अपने लिए जर्नी को बाय टेकिंग दी फर्स्ट ट्रैक बैच, जहां पर नोट्स भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, वीडियो के अनलिमिटेड व्यूज भी मिलेंगे और प्रिंटेड बुक्स भी मिलेंगी. बात समझ में आ रही है? अगर प्रिंटेड बुक आप लोगों को यहां पर दिखाएं तो आपकी ये रही CA इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग के फर्स्ट ट्रैक की प्रिंटेड बुक. देख सकते हैं आप लोग बेटा अराउंड 400 पेजेस की बुक है. चैप्टर वाइज PYQ, RTP, MTP इस बुक में डाल दिया गया है और उनका सोल्यूशन क्लास में चल रहा है विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड माय हैंड रिटन नोट्स, जो एनेबल करेगा आधे घंटे में हर चैप्टर को रिवाइज करने में बिफोर योर एग्जाम्स. बात समझ में आ रही है? स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है. सर मैक्सिमम 15th ऑफ जुलाई तक हमने अपनी कवरेज कंप्लीट करनी है, वो चाहे 50-50% वाले पासेज वाले स्टूडेंट्स हो या जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, हमने यही एम करना है कि 15 जुलाई तक हमारा कवरेज कंप्लीट हो जाए और हमारी लाइव क्लासेस भी जो फास्ट ट्रैक बैच में है वो मिड ऑफ जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगी. तो आपके पास आपका पूरा 1.5 मंथ कंप्लीट आपको मिलेगा रिविजनरी पर्पसेस के लिए. बात समझ में आ गई? आई होप ये स्ट्रेटजी वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा. अपने पास पढ़ना शुरू कर दीजिए बेटा, समय ना वेस्ट करिएगा. आगे आने वाली स्ट्रेटजी वीडियोस में आपको रिवीजन प्लान्स दिए जाएंगे,
आपको बताया जाएगा कैसे रिवीजन करनी है। तो अपने पास आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उन सबका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों आपके अपकमिंग रिजल्ट के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, और मेरे से शेयर जरूर करना अपने रिजल्ट को। थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।